हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे न्यूरेका लिमिटेड के बारे में। तो इस शेयर का अगला टारगेट जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। ओके, तो ये शेयर आपका आज के डे पे एनएससी पे ओपन हुआ था 1365 पे, हाई गया था 1611.45 पे एंड लो गया था 1665 जो कि इसका ओपनिंग है एंड क्लोज हुआ है आज के डेट पे एनएससी पे 1459 पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। फिनस्टार ने इस कंपनी को 4 out of 5 का रेटिंग दिया है। इस कंपनी का मार्केट कैपिटल है अभी आपका ₹1459.03 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹1336.39 करोड़ एंड पीई रेशियो है 29.01। कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है ₹3.81 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.02। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो 1 और 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे तो 1 से बहुत ही कम है। उसके ऊपर कंपनी के पास अभी आपका कैश है ₹126.45 करोड़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी के पास इतना सफिशियंट, इवन मोर देन सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 3.81 करोड़ का डेप्थ है इसको चुका सकता है। ओके, इस कंपनी का ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर है ₹50.29, रिटर्न ऑन इक्विटी है आपका 52.50% एंड आरओसी आपका है 66.84% जो कि मेरे हिसाब से जबरदस्त है। ओके, लास्ट ईयर में इस कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 625.96% जो कि मेरे हिसाब से एक जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ है एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था आपका 114.56%, ये भी एक जबरदस्त सेल्स ग्रोथ है। ओके, ये जो आपका न्यूरेका लिमिटेड कंपनी है इस कंपनी में पोमोडास का होल्डिंग है 70%, एफआईआई का है 13.02%, पब्लिक का है 11.47% एंड डीआईआई का है 5.52%। अगर किसी भी कंपनी में पोमोडास का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे तो 40% से बहुत ही ज्यादा है जो कि एक अच्छा परसेंटेज है। ओके, और एक चीज देखिए, ये जो आपका 70% प्रमोटर्स का होल्डिंग है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है। तो अभी देखिए, मैंने ये न्यूरेका कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग का पेज ओपन कर लिया, तो इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 70%, एफआईआई का है 13.02%, पब्लिक का है 11.47% एंड डीआईआई का है 5.52%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और ये यहाँ पे 40% से बहुत ही ज्यादा है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 70% प्रमोटर्स का होल्डिंग है इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेस नहीं है, तो फंडामेंटली ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखिए मैंने एक आपका डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ये शेयर गिर रहा था गिरते गिरते इस जगह पे ये आपका था लगभग 28 फरवरी का दिन, यहाँ पे जाके पहला ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा बहुत नीचे गया, लेकिन देखिए आज का डे पे देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा एंड इसी कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दे चुका जो कि एक अच्छा बात है। अगर आरएसआई की बात करें तो देखिए आरएसआई भी आपका जो 40 का लेवल है उसको तोड़ के नीचे की तरफ चला गया था, लेकिन फिर से आपका 40 के लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ के अभी आपका आरएसआई ऊपर की तरफ भाग रहा है जो कि एक अच्छा बात है। अगर एमएसडी की बात करें तो देखिए आज का डे पे आपका एमएसडी 0 पॉइंट से ऊपर जाके एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म किया, मतलब ओवरऑल डेली चार्ट में क्लियरली यहाँ पे हम लोगों को हर एक इंडिकेटर बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने एक लाल कलर का लाइन ड्रॉ किया है चार्ट के नीचे की तरफ, ये इस शेयर का आपका सपोर्ट लाइन है। अगर आप लोगों को ये पता नहीं कि सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन क्या होता है और कैसे ड्रॉ किया जाता है तो इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो मैं मेरा दूसरा चैनल टेक्निकल कैंडलस्टिक बोल के है उसमें ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उस चैनल का एंड उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस लाइन पर जब भी ये शेयर आपका इस लाइन को तोड़ा, सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ गया, फिर से देखिए
इसी लाइन के करीब आने के बाद इसको तोड़ नहीं पाया, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए फिर से ऊपर की तरफ गया एंड फिर से देखिए इसी लाइन के करीब आने के बाद इसको तोड़ नहीं पाया एंड सपोर्ट लेते हुए देखिए लास्ट दो वीक से यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर 100 डेज एंड 200 डेज का जो मूविंग एवरेज का लाइन है उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर RSI की बात करेंगे तो देखिए RSI आपका 40 का लेवल को तोड़ के नीचे चला गया था, लेकिन फिर से आपका RSI आपका अपटेन हो चुका है, जो कि एक अच्छा बात है। और अगर MACD की बात करेंगे तो देखिए MACD अभी भी 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन 0 पॉइंट से नीचे भी आपका लास्ट वाला कैंडल पॉजिटिव फॉर्म हुआ है, मतलब MACD भी पूरा आपका ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वीकली चार्ट में भी क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे आपका बुलिश इंडिकेशन ही दिख रहा है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो रेड लाइन है ये मैंने आपका वीकली चार्ट में ही आपका ड्रॉ किया था, जो भी देखिए देखिए मैंने वीकली चार्ट में ये सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था, लेकिन देखिए मंथली चार्ट में भी ये सपोर्ट लाइन पूरा काम कर रहा है। कैसे देखिए ये शेयर आपका 2 महीनों से गिर रहा था, लेकिन जब भी इस आपका सपोर्ट लाइन के नजदीक आया और शेयर नीचे तोड़ के जा नहीं सका एंड यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए इस महीने यहाँ पे हम लोगों को एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। एंड अगर RSI की बात करूंगा तो देखिए RSI आपका 60 का जो लेवल है उसके नजदीकी है, और अगर MACD की बात करूंगा तो MACD अभी भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर है, मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 1460 इसी रेंज पे अगर इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 4 से 5 महीने का भी है तो मुझे जो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 महीने के अंदर ये शेयर आपका 2000 का जो टारगेट है वो भी अचीव कर जाएगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस्ड करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।